खबरें देवास से, जहां मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता दीपक जोशी सोमवार को एसपी ऑफिस पहुंचे। यहां उन्होंने हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी पर गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायत की है। दीपक जोशी विधायक दबंगई का आरोप लगाते हुए अवैध काम करवाने का आरोप लगाया है। वर्मा नाम का व्यक्ति जो कि युवा मोर्चे का जिला कार्य समिति का सदस्य था, हमने पहले भी बात उठाई थी कि जनता युवा मोर्चे का एक सदस्य मुख्यमंत्री के साथ वो लोकायुक्त जांच में था, उसका फोटो आया। आज ये गोपाल वर्मा नाम का व्यक्ति पूरे क्षेत्र में विधायक जी का खासम खास बन के लूट खसोट मचा रहा है। अभी बड़ी मुश्किल से उसके खिलाफ एक केस रजिस्टर्ड हुआ। ये स्थायी वारंटी है इस क्षेत्र का, लेकिन इसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं करती। ये थाने में जाके पुलिस के साथ मिल के और इस प्रकार की कार्रवाई करता है, ये इसका स्थायी वारंट है। गोपाल वर्मा कैमरे में दिखाओ, ये बड़ौदा थाने में स्थायी वारंट है इसका। तो इसके बाद विधायक जी के साथ फेसबुक पे खुलेआम लिखना, ये करना, ये सारी बातें ये व्यक्ति कर रहा है गोपाल वर्मा। इसके खिलाफ एक केस कंप्लीट हुआ, एक केस जब मैंने इसके खिलाफ लिखा तो भेसुंदा गाँव से भी एक फोन आया। उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि साहब ये आदमी मुझसे भी 23,600 रुपये लेके गया, आप चाहो तो उसका नंबर नोट कर लो, भेसुंदा के आदमी से आप बात कर सकते हो। उसने कहना कि मैं जब पैसे मांगता हूँ तो खुलेआम हमको धमकी देता। आज ही उसका अभी मेरे पास खुलाया भेसुंदा गांव के 23,600 रुपये का चेक बाउंस हो गया, पैसे दे नहीं रहा, कह रहा कि मैं तो जो करना कर ले, ऐसी बातें होता है। तो एक मिनी नटवरलाल इस क्षेत्र में पैदा हो रहा जी, जिसने 5-6 लोगों इसके खिलाफ 400 किसी के 5-6 केस पकड़ रहे। तो क्या क्षेत्र में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ जो बनना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि और कुछ अधिकारी, में पुलिस प्रशासन पूरे में दोष नहीं दे रहा, लेकिन कुछ अधिकारी गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पूरे हाट पिपलिया क्षेत्र में जो एक शांति व्यवस्था बनी थी वो कहीं ना कहीं टूटती जा रही। चाहे देवगढ़ चौराहे हाट पिपलिया का मामला हो, चाहे बाद में एयरपोर्ट की घोषणा होने के बाद ज़मीनों के खरीद फरोख्त का मामला हो, इन सब मामलों को लेकर हाट पिपलिया में एक बड़ी अशांति की व्यवस्था बनी हुई है। आज हमने, चूँकि प्रशासन पे हमें विश्वास है, हमने आपके समक्ष एक ज्ञापन उनको दिया है, दोनों बातों को लेकर भाई अखिलेश के साथ जो घटना घटी हो और साथ में गोपाल वर्मा के खिलाफ, हम चाहते हैं कि पुलिस इस पर निष्पक्ष होकर कार्रवाई करे और कार्रवाई के बाद जो न्यायोचित कार्रवाई होती, हम ये नहीं कहेंगे उनको ऐसा करो वैसा करो, जो न्यायोचित कार्रवाई वो कार्रवाई करने और जनता को शांति प्रदान करने का प्रयास करें। अखिलेश जी का जो मैटर है, इसमें क्या कोई उनके पास राज हैं ऐसे कि इसके कारण वो? देखिए, अखिलेश जी उनके पुराने मित्र रहे हैं जी, और जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ लोगों को उन्होंने लगा दिया था कि आप ये काम देखोगे, कोई रेत का काम देखेगा, कोई दारू का काम देखेगा, कोई ढाबों का काम देखेगा, कोई अतिक्रमण का काम देखेगा। तो उनकी मंशा ये थी कि ये भी इस प्रकार के कोई काम करे। अगर कोई ठेकेदार रोड पे काम करता है तो उसकी ठेकेदारी में से कमीशन लाना, एक वसूली का अभियान इस क्षेत्र में चला है, उसका परिणाम आप देख सकते हो जी। मेरे टाइम पे जो स्कूल बने, जो बिल्डिंगें बनी, आज भी चाह की कहाँ हैं, लेकिन अभी जो रोड पिछले साल बने वो सब रोड उखड़ना चालू हो गए, रोड उखड़ना चालू। आज ब्रिज का आया है, ब्रिज बना सिकंदर मेरे टाइम हुआ, आज भास्कर पेपर पे छपा हुआ है, ब्रिज टूट गया, गेलोत से सिरोजा रोड खत्म हो गया, आप पता कर लो, गेलोत से कुंता माता रोड खत्म हो गया। मतलब ये बारिश सवेरी हुई और रोडों की हालत ऐसी हो गई, तो कहीं ना कहीं लगातार संक्षिप्तता उनकी पाई गई है। देख देख। आज जिला पंचायत के हमारे उपाध्यक्ष भाई राजू भाई हमारे साथ हैं, ये हमारे जनपद पंचायत देवास के अध्यक्ष भाई मुकेश पटेल जी हमारे साथ हैं, हमारे खाती समाज के वरिष्ठ मोहन दादा जो कि क्षेत्र के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ हैं, बाकी सब ये नौजवान चंद्रवंशी खाती समाज के हैं। इनका ये कहना कि हमारा समाज देश में सेवा करने के लिए आया, हमने सबसे ज़्यादा मिलिट्री में जवान प्रदान किए, इसमें कोई शक्ति बात नहीं, खासी समाज के सबसे ज़्यादा नौजवान मिलिट्री में गए, लेकिन आज समाज की छवियाँ इस कृत्य के कारण धूमिल हो रही। अगर ये ज्ञापन देने से कृत्य रुकता है तो निश्चित रूप से समाज का भला। भैया एक आडियो क्या बता रहे हैं? आडियो में जैसे इन्होंने कहा कि इनको पुलिस द्वारा बुलाया गया, बुलाना स्पष्ट हो गया, पुलिस वाला बोल रहा है कि आपको इतनी बजे आना है, जब वो नहीं आए फिर फोन लगाया गया कि क्यों तुम आए नहीं अभी तक, आ जाओ। आने के बाद जैसा इनका कहना कि इनको बैठा के मोटरसाइकिल पर ले जाया गया, माननीय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जैसे कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने के बजाय हो सकता है उनको कोर्ट वही लग रही हो, माननीय जी साहब को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया, माँ इनके साथ मारपीट हुई, मारपीट के बाद इसे कहा गया कि आपने काम क्यों छोड़ दिया,
आपको फलाने से पैसे लाना था, क्यों रे तेरा कहाँ गया? आपने खुद सम्मान सब जो सुने उसमें, जिसमें वो किसी पाटीदार का जिक्र कर रहे हैं कि वो कहाँ गया, अब क्या है क्या नहीं है, ये सब इनके पास है। चूँकि मामला पुलिस प्रशासन के पास है, कोर्ट के पास है, कोर्ट न्याय करेगा। आप लोग चूँकि राजनीति में लोकतंत्र में चौथा स्तंभ है, चौथे स्तंभ को जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम आप तक ये जानकारी पहुँचा रहे। आने वाले कल में 3-4 दिन में अगर इस समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम अनिश्चित काल के लिए एस डी ऑफिस को बंद कर देंगे। साथ में था विधायक जी ने अपने सीम से मुझे बताया कि ये मैंने दूसरा विवाह कर लिया है, ये तुम्हारी दूसरी भाभी है। कई दिन पश्चात वापस कई और महिलाओं के पास जाते हैं और अलग अलग प्रकार के उनके कई जगह संबंध हैं, और इसी घटना के चलते मैंने उनको बोला कि भाई साहब ये जो आप कर रहे हो इसका प्रभाव